कोर्ट ने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा सुनाई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। What? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है और तुम खुश हो रहे हो? अभी तुम्हारी एज क्या है? इस एज में तो आदमी नए ड्रीम डिजाइन करता है, उसको पूरा करने का ट्राई करता है। ड्रीम तो मैंने भी बचपन में देख लिया था। ये देख रहे हैं आप, इस मिट्टी को तुम ड्रीम बोलते हो? हाँ, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं, ये जलियांवाले बाग की मिट्टी है जिसमें मेरे देशवासियों का लहू मिला है। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ ताकि ये मेरे सपने, मेरे मकसद और मेरे वजूद की याद दिलाती रहे, जिसका नाम है आजादी। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी इस फांसी से तुम्हें आजादी मिल जाएगी? जब बहता खून शहीदों का, तब तीरे पलटी कौमों की, मुझे पता है कि मेरी कुर्बानी यूं ही जाया नहीं जाएगी। देखो भगत सिंह, यूर कुछ ह्यूमन, बस एक बार तुम हमारी कमेटी को अपने क्लास से लिख के दे दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी ना मिले। मेरे चाचा स्वर्ण सिंह जब शहीद हुए थे तब मैं 3 साल का था। मेरे गुरु सरदार सिंह ने जब अपनी जान की कुर्बानी दी थी तब मैं बस 8 साल का था। जो बच्चा कुर्बानियों के बीच पला बड़ा हो, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि वो आपकी सरकार को माफीनामा भेजेगा। कल सुबह 7:30 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर आज रात तुम्हारा इरादा बदले तो बता देना, मैं पर्सनली जाकर ऑफिस से बात करूंगा। कल सुबह 7:30 बजे।